स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो बर्ड्स की कहानी। एक बारी एक बर्ड एक जंगल में रहती थी और उसको अभी अभी न्यू टू बर्ड्स बॉर्न हुए थे फॉरेस्ट में। उनका नेस्ट था, एक बड़े से विशाल पेड़ पे उनका नेस्ट था, और वहीं पे वो जो मम्मी बर्ड थी वो अपनी जो दोनों बेटे थे जो कि बर्ड्स थे उनकी देखभाल करती थी दिन रात। एक दिन की बात है, वहाँ एक बहुत ही बड़ा तूफान आया, एकदम से लाइटनिंग होने लगी, थंडर होने लगा, आंधी तूफान बरसात सब एक साथ होने लगा, बहुत हवा तेज चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि सारे के सारे पेड़ गिर गए। वो भी पेड़ गिर गया जिसमें जिस पेड़ पे वो तीनों बर्ड्स रहते थे, वो पेड़ भी गिर गया। एक बड़ी बड़ी ब्रांच, मतलब एक बड़ी टहनी, पेड़ की एक बड़ी टहनी ने उनके नेस्ट को जोर से हिट किया और वो जो मम्मी बर्ड थी वो मर गई। बट अच्छी बात ये रही कि वो जो दो छोटी बर्ड्स थी उन वो हवा जो थी इतनी स्ट्रांग थी, तो एक बेबी बर्ड जो थी वो फॉरेस्ट के एक किस हिस्से में जाके गिरी, और वो जहाँ वो छोटा बेबी बर्ड जाके गिरा वो वहाँ पे गुफा थी, और गुफा के अंदर रॉबर्स रहते थे, मतलब चोर रहते थे। और जो दूसरा बेबी बर्ड था वो जाके गिरा एक ऋषि के आश्रम के बाहर। तो इस तरह से दोनों भाई जुदा हो गए और मम्मी मर गई। अब क्या होता है, दिन बीतते गए, वो जो छोटे बच्चे थे मतलब छोटे बेबी बर्ड्स थे, अब वो बड़े बर्ड्स बन गए। एक दिन राजा आया और शिकार करने आया जंगल में। उसने एक डियर देखा और वो उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाने लगा। डियर भागता रहा तो राजा जो है वो उस घने जंगल में दूर दूर उस डियर के पीछे चला गया, और धीरे धीरे मतलब राजा इतनी आगे निकल गया कि उस वो राजा का रास्ता ही गुम हो गया, मतलब राजा गुम हो गया और उसे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ। वो राजा राइडिंग करता रहा, घोड़े पे घुड़सवारी करता रहा करता रहा, और वो फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से पे आ गया। अभी तक वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और एक ट्री के नीचे बैठ गया जो कि केव के बाजू में था, गुफा के बाजू में था। अचानक से उसे आवाज़ आई, जल्दी करो जल्दी करो, कोई ट्री के नीचे बैठा है, आओ आओ, उसके सारे जवारात ले लो, उसका घोड़ा ले लो, जल्दी आओ नहीं तो वो चला जाएगा। राजा हैरान हो गया। उसने ऊपर देखा तो उसने देखा एक बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड ट्री पे बैठा है जिसके नीचे वही बैठा हुआ था राजा। राजा हैरान हो गया। उसने जब ऊपर देखा तो उसने देखा एक बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड ट्री के नीचे, जिस ट्री के नीचे वो बैठा हुआ था उसी ट्री के ऊपर था ब्राउन कलर का बर्ड। उसको हल्की हल्की आवाज़ें भी सुनाई दी केव के अंदर से। वो तुरंत खड़ा हुआ, मतलब समझ गया कि उसको लूटने की तैयारी हो रही है, तुरंत खड़ा हो गया और हॉर्स पे चढ़ के वो जोर से राइडिंग करके चला गया बहुत फास्ट फास्ट। फिर जैसे ही वो राइडिंग करके आगे गया हॉर्स पे तो उसने देखा एक आश्रम। तो आश्रम एक ऋषि का था। राजा ने अपना घोड़ा वहाँ बांध दिया ट्री पे और वो उस छाया के नीचे बैठ गया ट्री की। अचानक से उसे एक बहुत ही प्यारी आवाज़ सुनाई दी और उसने कहा, मतलब वो जो जो आवाज़ थी वो उसने कहा कि आश्रम में आइए सर और अंदर चलिए सर, आराम करिए सर, तो ऋषि जल्दी आ जाएंगे, आप चलिए अंदर ठंडा पानी पीजिए, अंदर मटका भी पड़ा है, आप कंफर्टेबल हो जाइए। तो राजा ने जब ऊपर देखा तो उन्होंने देखा वैसा ही, जो ठीक उन्होंने पहले देखा था वैसा ही बिग ब्राउन बर्ड जो था ट्री के नीचे था। राजा हैरान हो गया। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी वो चोरों के बाहर जो राजा बर्ड देख के आया था वैसा का वैसा सेम बर्ड था ये। तो वो बर्ड कहता है कि आप सही बोल रहे हो सर, मैं बिल्कुल वैसा दिखता हूँ, एक्चुअली वो मेरा भाई है बट वो चोरों का दोस्त हो गया है, अब वो उनकी तरह ही बातें करता है और मेरे से बिल्कुल बात नहीं करता। और उसी समय ऋषि आ जाता है आश्रम में। ऋषि कहता है, राजा को कहता है वेलकम, उसको वेलकम करता है और कहता है चले अंदर चलें और कंफर्टेबल कर लो, खुद को अपने घर ही समझो, आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, थोड़े टाइम आप रेस्ट कर लो और फिर मेरे से अपना खाना शेयर करो। राजा ऋषि को कहता है इन दोनों बर्ड्स के बारे में और कहता है किस तरह से दोनों अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं और इस फॉरेस्ट में तो कितने सरप्राइजेज हैं, कितना अजीब सा फॉरेस्ट है। तो ऋषि कहता है कि
जो जैसी कंपनी में रहता है, मतलब जो जैसी संगत रखता है, वो वैसा ही हो जाता है। और वो बर्ड हमेशा रॉबर्ट्स के साथ रहा, इसलिए वो बर्ड अभी सबको लूटने की ही सोचता है। और ये बर्ड हमेशा हमको सुनता था, तो इसलिए अब वो वेलकम करता है आश्रम में सभी लोगों को। चलो अंदर चलो, मैं आपको और भी बातें बताता हूँ इस फॉरेस्ट के बारे में और बर्ड्स के बारे में।